इस फिल्म के पात्र, घटनाएं तथा कथा काल्पनिक हैं तथा किसी भी जात, जीवित या मृत व्यक्ति से संबंधित नहीं है, और यदि हैं तो वो काल्पनिक हैं।
आज की ये इमरजेंसी मीटिंग मैंने इसलिए बुलाई है कि देश की जनता में दहशत फैली हुई है, न जाने कब बम ब्लास्ट होगा और वो भगवान को प्यारे हो जाएंगे। इसलिए लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। ये शहर शहर नहीं, शमशान घाट हो गया है। हमें फौरन उन लोगों तक पहुंचना है जो मौत के सौदागर बने हुए हैं। मंत्री जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये काम किसी विदेशी ताकत का है जो नहीं चाहते कि हमारा देश तरक्की करे, यहाँ अमन और शांति बनी रहे। विदेशी कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारे देशी कुत्ते उनकी जुठन न चाटे। हमारे देश का कोई कुत्ता है जो उन लोगों से जाकर मिल गया है, ढूंढ निकालो उसे। ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि उसके खानदान में फिर कभी कोई गद्दार पैदा नहीं होगा। मिस्टर ट्रिकाल, हमारा गवर्नमेंट तुम्हारे से बहुत खुश है। अच्छा? इसलिए हमारा गवर्नमेंट का तरफ से ये छोटा सा इनाम $5,00,000। थैंक यू। बट मिस्टर ट्रिकाल, एक बात का ख्याल रहे, हमारा कंट्री का नाम नहीं आना चाहिए, नहीं तो दोनों कंट्री के बीच का रिलेशन खराब हो जाएगा। फिकर ना करो मिस्टर ली, त्रिकाल ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। ना तुम्हारा नाम आएगा ना हमारा। हम हमेशा अपना इल्जाम दूसरों पर लगा देते हैं। बेचारा विजय श्रीवास्तव। सर, थैंक यू। मुजरिम विजय श्रीवास्तव, सजा 5 साल, गुनाह मां बाप और भाई का कत्ल। चलो भाई, ये रही तुम्हारी खोली। चलो त्रिकाल सेठ, विजय श्रीवास्तव को तो रास्ते से हटा दिया, अब हीरालाल का भी कुछ कीजिए, वो जेल से जल्दी ही छूटने वाला है। तेज करके लाता हूं। त्रिकाल सेठ के पेपर्स कहां है हीरालाल? खून निकलाया। कौन हो तुम? खूनी, बहुत सारे खून किया हूं और अब तेरी बारी है। बोल बैग कहां है? उठा तो तुझे दुनिया से उठा दूंगा, समझा? बैग कहां है? ये राज तो तुम्हारे बाप नहीं उगलवा सके, तुम तो उनकी नाजायज औलाद हो।
विजय, तुमसे कोई मिलने आया है। मेरा नाम यशवंत देशमुख है। मैं शहर के उस एरिया का इंचार्ज हूं जहां कभी तुम्हारा घर था, तुम्हारे माँ बाप थे, एक छोटा सा भाई था, एक खूबसूरत सी जिंदगी थी। मुझे यहाँ किस लिए बुलाया गया है? हमें अपना दोस्त समझो। जानते हैं मैं किस जुर्म की सजा काट रहा हूं? जानता हूं, और तजुर्बे के साथ ये भी कह सकता हूं कि जिस जुर्म की सजा तुम काट रहे हो वो तुमने किया नहीं है, तुम्हें फंसाया गया है। इस हमदर्दी की वजह? गुंडागर्दी, प्रोस्टिट्यूशन, ये सब तो आम बात थी, लेकिन लोग अब नए नए धंधों से अमीर बन रहे हैं, और वो है आरडीएक्स, बॉम्ब ब्लास्ट, या दूसरे लफ्जों में जिसे हम मौत का कारोबार कहते हैं। ये कारोबार इस मुल्क के नौजवानों की नसों में फैलाने वाला एक ही आदमी है जिसे हम डॉन के नाम से जानते हैं। जब जानते हैं तो उसे गिरफ्तार करके सजा दिलवाइए। मुझे ये सब बताकर क्या फायदा? डॉन को गिरफ्तार करना इतना आसान काम नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। कानून और अदालत रोज उसकी चौखट पर सलाम करने जाते हैं। आई सी, तो बैठे रहिए हाथ पे हाथ रखकर, मरने दीजिए देश के नौजवानों को। देश के नौजवान बच सकते हैं अगर तुम हमारी मदद करो तो। मैं क्या कर सकता हूं? तुम चाहो तो ये डॉन घुटनों के बल चलकर हमारे पास अपनी जिंदगी की भीख मांगने आ सकता है। वो कैसे? जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, हम भी उसी के हथियार से उसे मारेंगे। मैं समझा नहीं। डॉन को पैसों से ज्यादा अगर किसी चीज से प्यार है तो वो है उसका इकलौता बेटा। अगर हम किसी तरह से उसके बेटे को किडनैप कर लें तो हम डॉन को उसके गुनाह कबूल करने पर मजबूर कर सकते हैं। शाबाश, तो अब पुलिस वाले गुंडों का काम करेंगे। ये काम पुलिस नहीं करेगी, तुम करोगे। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि कब एक कैदी जेल से निकला, डॉन के बेटे को किडनैप किया और पुलिस के हवाले कर दिया। यह गलतफहमी आपको कैसे हुई कि यह गुनाह मैं करूंगा? यह गुनाह तुम्हारे उस गुनाह के दाग को मिटा देगा जो तुमने कभी किया ही नहीं है। देखो विजय, अगर तुम पुलिस का साथ दोगे तो हम तुम्हारी बाकी की सजा भी माफ करवा देंगे। इस तस्वीर को देखो, यही है डॉन का बेटा जो तुम्हारे लिए नई जिंदगी का दरवाजा खोल सकता है। जान से बढ़कर जानम तुझको प्यार करते हैं। जान से बढ़कर जानम तुझको प्यार करते हैं। दीवाना दिल कहता है तुझ भी जी नहीं सकते हैं। जान से बढ़कर जानम तुझको प्यार करते हैं। दीवाना दिल कहता है तुझ भी जी नहीं सकते हैं। ओ जी नहीं सकते
अकेली नजर में दिल में समाए हो, प्यार बन के आए हो मेरी जिंदगी में। तुम जो मिले हो सब कुछ मिला है, कितना हसी प्यार का सिलसिला है, ये सिलसिला है। जान से बढ़कर जानम तुझको प्यार करते हैं, दीवाना दिल कहता है तुझ भी जी नहीं सकते हैं, हो जी नहीं सकते हैं। हद से बढ़ती जाए तू ही तो मुझको नजर आए, प्यार में अक्सर ऐसा होता है कभी दिल हंसे कभी रोता है, दीवाने सभी हमको कहते हैं। जान से बढ़कर जानम तुझको प्यार करते हैं, दीवाना दिल कहता है तुझ बिन जी नहीं सकते हैं। जान से बढ़कर जानम तुझको प्यार करते हैं, दीवाना दिल कहता है तुझ बिन जी नहीं सकते, ओ जी नहीं सकते, हाँ जी नहीं सकते हैं, ओ जी नहीं सकते। जल्दी राशन उतारो। हाँ चलो भाई जल्दी जल्दी करो। हाँ हाँ ले जा रहे हैं, बहुत भारी है वार्डन साहब। ले जाओ। रुको। क्यों सारा सामान उतर गया? उतर गया साहब।
जाओ ले जाओ। माँ मेरे कपड़े जल्दी से निकाल दे। बेटा तू खुद ही निकाल ले, मैं खाना बना रही हूँ। ठीक है माँ। माँ, अरे माँ मेरी टी शर्ट कहाँ है? आई माँ, माँ तूने बड़ा अच्छा काम किया मेरे लिए, ये टी शर्ट ले आई, अब तो पैंट पहनने की जरूरत ही नहीं। आओ जरा इधर आइए, आओ ये देख, इसे 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 देख जरा, देख तो। ए, तूने मेरी टी शर्ट क्यों पहन रखी है? ये मेरी है। ए, चल उतार, चल उतार। आई 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 करो, इस वक्त तुम्हारी इज्जत मेरे हाथ में है। अच्छा अच्छा, अब उतार, मुझे ऑफिस जाना है। जरा और प्यार से रिक्वेस्ट करो। राजू जी, मेहरबानी करके आप अपनी ये टी शर्ट मुझे उतार देंगे? ये लीजिए। थैंक यू। राजू बेटा जरा नीचे आना। आया पिताजी। अरे अरे, ऐसे ही जा रहा है? फिर कैसे जाऊं? कपड़े पहन कर। कपड़े तो सब पहनते हैं, मुझे लाइफ में थोड़ा चेंज चाहिए। चेंज? खैर अभी मैं चेंज। अरे माँ माँ माँ, तुम कहाँ उसके पीछे भाग रही हो? वो कहाँ तुम्हारे हाथ आने वाला है? नाश्ता लगाओ, मुझे ऑफिस जाना है। कभी नहीं सुधरेगा। पिताजी ये रहे वो लेते आपके, 5 रुपए 75 पैसे। अच्छा ठीक। अच्छा पिताजी मैं चलता हूँ। अरे विजय बेटा, लौटते वक्त मेरा दूसरा चश्मा लेते आना, नंबर बदल गया है ना, इसलिए पता ही नहीं चलता है कि 100 का नोट है या 10 का नोट है। अच्छा पिताजी। अच्छा हाँ बेटा, ये लीजिए 100 का नोट, जरा छोटा दे दीजिए। अबे ये 100 का नोट है कि 10 का है? पिताजी अभी तो आप कह रहे थे कि आपको पता नहीं चलता कि कितने का नोट है। बेटे लेकिन हमें तुम्हारी औकात का तो पता है, क्योंकि तुम्हारे पास 100 का नोट हो ही नहीं सकता। अच्छा पिताजी मैं चलता। अच्छा बेटे ट्रक रोको। आज तो सिर्फ 3 ट्रक जाने वाले थे, ये 5 ट्रक किसकी मर्जी से जा रहे हैं? सेठ त्रिकाल की मर्जी से। मिस्टर पांडे, ये फैक्ट्री त्रिकाल सेठ की जरूर है, लेकिन यहां से गोला बारूद बगैर मेरी मर्जी के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से यहां का निगहबान मैं हूं। तुम मिडिल क्लास के लोग सरकार को हर वक्त सर पे सवार क्यों रखते हो? ये लो और अपनी सरकार खुद बनो। इसे पुलिस के हवाले कर दो। तूने मुझ पर हाथ उठाया, मैं तुझे सुन कर उठाऊंगा। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अपनी माँ को बेचकर कमाना बहुत बुरी बात है। गार्ड्स, जी सर, इस लाश को उठाकर पुलिस के हवाले कर दो, और याद रखो आज के बाद फैक्ट्री के बाहर कोई सामान विजय साहब की इजाजत के बगैर नहीं जाएगा। जी सर। गुड लक माय सन। सर, आपने अपने इतने पुराने साथी पांडे को मार दिया? जब एक घर के जलने से पूरा गांव बचता हो तो उस घर को जला देना चाहिए, वरना याद रखो उस घर के साथ हम तुम भी जल जाएंगे। सर मैं समझा नहीं। इतनी अकल होती तो तुम हमारे ससुर जी की कुर्सी पे बैठे होते और वो तुम्हारी जगह हाथ बांधे खड़े होते। सॉरी सर। ऊपर वाला भी अपनी फैक्ट्री में ऐसे इंसान कभी कभी बनाता है जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर के बजाय वफादारी, ईमानदारी, ये टूट जाएंगे मगर झुकेंगे नहीं। इसलिए जब तक विजय श्रीवास्तव ड्यूटी पर है, आरडीएक्स की सप्लाई बाहर नहीं जानी चाहिए।
माँ मैं जिम जा रहा हूँ। क्यों रे, तेरी पैसे की भूख इतनी बढ़ गई है? अभी फैक्ट्री से थका हारा आया है और फिर चल दिया। माँ तुम क्या समझती हो कि मैं बच्चों को कुंग-फू कराटे पैसों के लिए सिखाता हूँ? सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस। अरे तुम नहीं समझोगी, अंग्रेजी में है। हाँ तुम चुप रहो जी। पहले तुम मुझे ये बता, तेरी पूरी जिंदगी मारा मारी करते गुजरेगी क्या? मतलब दरअसल तेरी माँ घुमा कर बात कर रही है जलेबी की तरह। तो फिर आप ही बता दीजिए ना, बर्फी की तरह। चुप। बेटा क्या है कि आजकल तेरी माँ से घर का कामकाज नहीं होता है ना, तो एक नौकरानी रख लेते हैं। भैया हमें वो वाली नौकरानी नहीं, बगैर पगार वाली नौकरानी चाहिए। बस अब बहुत हो गया मजाक। विजय तू सीधे सीधे सुन ले, मुझे एक बहू चाहिए। ठीक है, जैसे ही मुझे कोई लड़की मिल जाएगी मैं सीधे तुम्हारे पास उसे बहू बनाकर ले आऊंगा। ए हटो सामने से, सुनाई नहीं देता क्या? ए बहरे हो क्या? जी नहीं, अंधा हूँ। अंधे हो तो सड़क के किनारे खड़े होकर भीख मांगो। तुम दोगी क्या भीख? ये लो छुट्टा। चलो चलो। पकड़े गए ना, निकालो 50 रुपए। देखिए ये मेरी गलती नहीं है, उस लड़की ने पीछे से धक्का मारा। धक्का मारा? अरे लड़की धक्का मार ही नहीं सकती। निकालो 50 रुपए। आप मेरा यकीन कीजिए, ये मेरी गलती नहीं है। पहले 50 रुपए निकालो, तुम्हारी हर बात पर यकीन कर लूंगा। गो गो। पीछे ही पड़ा हुआ है, देखने में तो पूरा नहीं है, तो फिर मैं क्यों इससे पीछा छुड़ा रही हूँ? ऐसी पिटाई करवाती हूँ कि आज के बाद मेरे अलावा किसी और लड़की को छेड़ेगा ही नहीं। उस्मान मियां, प्रैक्टिस को नहीं कर रहे हो? वही तो कर रहा हूँ। हाथ पैर तो हिला नहीं रहे हो। इस काम के लिए हाथ पैर नहीं बल्कि कुछ और हिलाना पड़ता है। कुछ और हिलाना पड़ता है? सर लड़की 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 तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखिए दिखाइए। क्या? वही जो आप छुपा रही हैं। मैं मेरा मतलब है एक हुंडा मेरा पीछा कर रहा है, क्या आप लोग अपनी बहन की रक्षा नहीं करेंगे? देखिए मैडम, अगर पूरे हिंदुस्तान की लड़के हमारी बहनें बन गई तो हम लोग जिंदगी भर हाई करते रह जाएंगे। प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी इज्जत बचाइए प्लीज। ठीक है तुम फिक्र मत करो, मजबूर होकर हम तुम्हें अपनी बहन मान ही लेते हैं। चलो। सर आप? सर हम समझे कोई गुंडा है। सर बड़े जी बहनों ही को ही पिटवा दिया। भाई इन्होंने हमसे कहा कि इन्हें कोई गुंडा छेड़ रहा है। उल्लू के पट्ठों,
गौर से देखो इसे, ये खुद गुंडी लगती है, इसे कोई क्या छेड़ेगा। देखिए, I'm sorry, मेरा मतलब ये नहीं, मैं तो चाहती। आप भले ही मुझे चाहने लगी हैं, लेकिन मैं आपको नहीं चाहता। हाँ, तुम मौरत की जिद को नहीं जानते। अगर चार दिन में तुम मेरी टांग के नीचे नहीं आए तो मेरा नाम भी टंगड़ी कबाब नहीं। लगता है तंदूर बहुत गर्म है। दो ऑमलेट दे। ये कहां से आ गई? क्या करूँ राम, मुझे पुट्ठा मिल गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे पुट्ठा मिल गया। मेहन साहब, यहाँ गाना बजाना मना है। तो फिर तुम क्यों बजा रहे थे? क्या बाजा? ओ, मालिक हूँ ना इसलिए। फिर काउंटर पर कौन बैठा है? ना कर। ए राजू, मेहन साहब को बोल दो कि टाइम पास करने के लिए यहाँ बैठना मना है। हाँ, हाँ तो बोलिए मेहन साहब, क्या चाहिए आपको? एक ग्लास पानी। ये रहा आपका पानी और ये रहा आपका बिल, 7 रुपए 50 पैसे। एक ग्लास पानी का? ये कोई मामूली पानी नहीं है मेम साहब, ये बंबई का पानी है। इसके चक्कर में पानी वाली बाई दिल्ली चली गई थी और दिल्ली वाली बाई पानी में चली गई थी। ओ, ये बात है। हाँ ये बात है। तो तुम्हारे होटल में जो कुछ भी है सब एक एक प्लेट ले आओ। सब? हाँ सब। सब खत्म। ये लो 786 रुपए, फटाफट निकालो। अकाउंट में लिख लो। अकाउंट? कैसा अकाउंट? यहाँ मेरे पति का अकाउंट चलता है। बिटिया, क्या नाम है तुम्हारे पति का? मुझे बता दो तो मैं लिख लूँ। विजय श्रीवास्तव। जी 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 जी, अंडे। चल जल्दी कर, खाने का टाइम हो गया। हाँ भैया। अरे बेटा जरा तू फोन उठा बेटा, जरा तू लौट गए। हेलो हेलो। अरे बोलो भाई, टेलीफोन वालों ने रेट बढ़ा दिए हैं, क्यों अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो? कट गया। चलो जल्दी जल्दी सामान अंदर रखो। पिताजी जरा फोन उठाइए। अच्छा। हेलो हेलो। कट गया। 2002 रुपए। अच्छा, क्या फिर कट गया? हाँ, किसी बेचारे का रॉन्ग नंबर लग रहा है। बाबूजी, ये मुझे किसी बेचारे का नहीं, किसी बेचारी का नंबर लगता है। अच्छा चलो खाना खाने चलो, तुम बेटा बंद करके आना। जी भैया, अब फोन आप ही उठाना, नंबर भी सही लगेगा और आदमी भी सही मिलेगा। तू बदमाशी नहीं छोड़ेगा? लो भैया, बच गई आपकी घंटी। हेलो।
हेलो, मैं रेखा बोल रही हूँ। क्या तकलीफ है आपको? क्यों, आप हकीम हैं? आप चाहती क्या हैं? तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। ये जो आप लोगों को इश्क का बुखार चढ़ता है ना, जिंदगी की सच्चाई से टकराते ही 2 दिन में उतर जाता है। मेरे प्यार का बुखार मामूली बुखार नहीं है, मियादी बुखार है। एक बार जो चढ़ता है उतरता ही नहीं। कैसे आदमी हो तुम? जो काम तुम्हें करना चाहिए वो मैं कर रही हूँ। तो क्या करूँ मैं? तुम एक बार हाँ तो करो, बाकी सब मैं कर डालूंगी। क्या कर डालोगी? मिठाई सामने पड़ी है, खाने के बजाय मक्खियाँ उड़ा रहे हो। मैं सड़ी गली मिठाई नहीं खाता। मैं सड़ी हूँ? मैं नहीं, लोग कहते हैं। आई हेट यू। आई लव यू। आई अडोर यू विजय। नाम से धड़कता है, ओ ये
खुदा जाने दिल तेरे नाम से धड़कता है और लीजिए ना भाई बहुत खा लिया है मेरा ख्याल है कि अब लड़की को जी वो आती वो आ गई मेरी बेटी जी तेरा उस्मान भाई ये तो बड़ी अखरूर लगती है मुझे बिल्कुल नहीं जमी अम्मा तो तुम्हें कौन सा जमानी है उधर देखो जो पहले से जमाए बैठे अरे सच्चाना साहब जब हमारे बेटों को आपकी बेटी पसंद है तो फिर हमको भी पसंद है अरे ऐसे कैसे पसंद कर ली पहले थोड़ी पूछताछ तो करने दीजिए अच्छा बेटे तो पूछो अंकल आपसे नहीं इनसे पूछो पूछो आपको हेल्थ क्लब ब्यूटी पार्लर जाना पसंद है नहीं पार्टी में जाना तो अच्छा लगता ही होगा नहीं पत्ते खेलना आता है नहीं ये भी नहीं आता खैर आपको ब्रेक डांस टकीला रंबा तंबा डांस तो आता ही होगा बिल्कुल नहीं फिर आपको आता क्या है पढ़ना घर में सफाई रखना खाना बनाना वक्त पर पापा को दवाई देना वगैरह वगैरह तो भाई वकील साहब हमें आपकी लड़की पसंद है धन्यवाद राजू मियां हम लोग विजय मियां के लिए लड़की पसंद करने आए हैं आपके लिए नहीं अगर विजय भैया को किसी वजह से लड़की पसंद नहीं आती है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ किससे मिलना है अरे क्या करता है यार ये हमारे सुपरवाइजर साहब के पिताजी हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ माफ कीजिएगा साहब क्या करें हर आने जाने वाले को चेक करना ही पड़ता है ठीक है भाई तुम अपनी ड्यूटी निभाओ राजू बेटा जी तुम यहीं रुको जी मैं विजय के दोस्तों को कार्ड बांट के आता हूँ जी हाँ हा? Look at this. Aha. With the telescope. And now this is very handy for ladies. मिस्टर त्रिखाल हमको समझ में नहीं आया काबे में कब परोट उसका बंदूक तुम हमको कैसा सप्लाई करता है जिस तरह हम तुम्हें गवर्नमेंट का गोला बारूद सप्लाई करते हैं और ये नहीं पूछते कि तुम इसका क्या करते हो क्या करता है जैसे तुम एक रुपये का माल चार रुपये में देता है हम चार रुपये का वो ही माल एक्सट्रीमिस्ट लोग को दस रुपये में देता है जान जिस तरह हम रुपया कमा रहे हैं उसी तरह तुम भी कमाओ लेकिन हमारे घर में झांकने की कोशिश मत करो बिजनेस की बात करता है ससुर जी इनके पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है बताई दीजिए वरना ये अपनी पेंट गंदी कर देगा क्या बोला तुम मिस्टर जॉन ये हमारे दामाद डीपी सिंह हैं किसको गोला बारूद का लाइसेंस देना है उसका फैसला मैं करता हूँ आई सी चोर चोर मोसरा भाई विजय बेड से देखा चलो जल्दी दरवाजा हाँ अच्छा जा रहे हो साहब आपको चेक करना पड़ेगा पिताजी डरो मत बेटा इनका काम ही है चेक करना डरो मत भाई अगर तलाशी लेनी तो आप ले लेते इस कुत्ते की क्या जरूरत थी साहब इंसान हमें तो धोखा दे सकता है इन कुत्तों को नहीं अगर आपके जिस्म से बारूद की बू आ जाती तो ये आपको फाड़ कर खा जाते तो मैं चलूं हाँ जी आ बेटा हेलो गार्ड जी साहब विजय आया है क्या उनके पिताजी जरूर आए थे चले गए साहब पिताजी आए थे जी
मांगे पूरी करो। मजदूर यूनियन हमारी भी मांगे। हेलो पिताजी। हेलो क्या कह रहे हो मुझे सुनाई नहीं दे रहा। बहुत शोर है यहाँ पे। अरे फोन विजय को दो। अच्छा एक मिनट करो एक मिनट। चलो मैं दरवाजे बंद करके आती हूँ एक मिनट। हेलो सुनो तो। हेलो 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 हेलो। पिताजी वो लोग चले गए। गए हेलो हेलो कट गया। फिर से लगाइए बेटा अब तो सिक्का ही नहीं है। चल चल घर चलते चल। चलिए विजय। बेटे लगता है तेरे पिताजी किसी मुसीबत में। कहाँ है वो? फैक्ट्री गए थे वो कार्ड देने शादी का। अच्छा मैं देखता हूँ। मिलेगी नहीं आज होटल बंद है। तो फिर पानी पिला दीजिए। माँ बाप और भाई की जिंदगियां तो वापस नहीं ला सकता लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें बेगुनाही की सजा ना भुगतनी पड़े। योर ऑनर ये मुकदमा झूठा है बेबुनियाद है मनगढ़ंत है। कोई भी बेटा अपनी माँ की जान नहीं ले सकता अपने बाप की सांसें नहीं छीन सकता अपने छोटे भाई को कफन नहीं पहना सकता। योर ऑनर हर हादसे के पीछे कोई सबब होता है कोई वजह होती है और यहां तो कोई वजह भी नहीं है। फिर विजय श्रीवास्तव अपने मां बाप और भाई का खून क्यों करेगा? इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ सारे इल्जाम वापस लिए जाएं और इन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। मेरठ अपने मुवक्किल के लिए दलीलें पेश करते करते मिस्टर सक्सेना का गला भराया आंखें नम हो गई। मैं उन्हें यह बताना चाहूंगा मेरठ कि अदालत में ना तो आंसुओं की कोई कीमत है
और ना ही जज्बातों की कोई कद्र। लिहाजा हकीकत को अफसाना बनाकर ना पेश किया जाए, हकीकत को हकीकत ही रहने दिया जाए। और हकीकत यह है कि जिस बारूद के ढेर से तीन बेगुनाहों की जानें गईं, वो बारूद कहां पाया गया? विजय श्रीवास्तव के बैग में। वो बारूद जो हाईली एक्सप्लोसिव क्वालिटी का था, किसी पटाखे की दुकान से नहीं लाया गया था योर ऑनर, बल्कि मिस्टर त्रिकाल की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से लाया गया था, जिसके गोदाउन के इंचार्ज और कोई नहीं विजय श्रीवास्तव थे। क्या अब भी ये बताना बाकी रह गया है कि ये आदमी अपने माँ बाप और भाई की मौत का जिम्मेदार है? मिलॉर्ड, अब मैं अदालत के सामने एक ऐसा गवाह पेश करूंगा जो सबकी जबान पर ताला लगा देगा। मिस्टर त्रिकाल, आपकी फैक्ट्री से बना बारूद या बारूद से बना बॉम्ब बाहर कहां कहां जाता है? जहां गवर्नमेंट की सप्लाई का ऑर्डर होता है। ये बारूद किसकी निगरानी में बाहर जाता है? सुपरवाइजर की। सुपरवाइजर के अलावा और कोई आदमी है? जी कोई नहीं। आपकी फैक्ट्री का सुपरवाइजर है कौन? इसका मतलब ये तो नहीं कि विजय ने खुद अपने घर वालों को? आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। उस वक्त हमारी फैक्ट्री के सुपरवाइजर मिस्टर विजय श्रीवास्तव थे। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड मिलॉर्ड कि फैक्ट्री से बारूद का बाहर आना जाना मिस्टर विजय श्रीवास्तव की देखरेख में होता था, सिर्फ इनकी ही निगरानी में होता था। ये बारूद सिर्फ 28 अप्रैल को ही फैक्ट्री से बाहर नहीं लाया गया था, बल्कि 7 मार्च और 3 अप्रैल को भी लाया गया था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब मेरे मुवक्किल के खिलाफ झूठ मूठ की कड़ियां जोड़ती जा रहे हैं। मैं कोई कड़ी नहीं जोड़ रहा हूं मिलॉर्ड, बल्कि कड़ियां खुद ब खुद अपने आप जुड़ती चली जा रही हैं। जज साहब, अगर मुझे फांसी पे लटकाना है तो लटका दीजिए, लेकिन मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। इल्जाम झूठा या सच्चा, इसका फैसला करेगी अदालत, जिसके सामने ये जाहिर हो गया है कि विजय श्रीवास्तव आतंकवादियों को बारूद सप्लाई किया करता था, और यह है वो बैग जिसमें वो बारूद छिपाकर आतंकवादियों को पहुंचाने ही वाला था कि वक्त से पहले बारूद फट गया, एक धमाका हुआ और 3 जिंदगियों का खेल खत्म हो गया। मिलॉर्ड, जिस तरह एक चोर का साथी भी चोर होता है, उसी तरह टेररिस्ट को बारूद सप्लाई करने वाला भी टेररिस्ट है, टेररिस्ट है, टेररिस्ट है। मुलजिम विजय श्रीवास्तव, वल्द मोहनलाल श्रीवास्तव, ये अदालत तुम्हें आतंकवादियों को बारूद सप्लाई करने के जुर्म में मुजरिम करार देते हुए 5 साल सख्त कैद की सजा सुनाती है। गलत, गलत सजा सुना बेटे जज साहब। इस चलती फिरती लाश में उम्मीद की सांसें फूंक दी आपने। माँ बाप और भाई की मौत के बाद जीने की चाहती खो दी थी मैंने, लेकिन अब जीऊंगा इस इंतजार में कि ये 5 साल का वक्त कब गुजरेगा, ताकि उस दरिंदे को ढूंढ सकूं जिसने मेरे माँ बाप के खून से मेरा मुकद्दर लिखा है। भाग रही हो, वो कहां हाथ आने वाला है?
बेटी, वक्त ने तो तुम्हें एक सजा दे ही दी है, फिर तुम खुद को सजा क्यों देती रहती हो? ताकि उस भगवान से पूछ सकूं कि दुनिया भर के रंजो गम उसने मेरी ही झोली में क्यों डाल दिए। आंखें खुली तो माँ का चेहरा देखने को तरस गई, और जब कोई इन आंखों में बसा तो उसे भी उसने मुझसे छीनकर इन आंखों को फिर से सुना कर दिया। बेटी, वो देता भी है और छीनता भी है, ये उसका निशान है। मैं और बापों की तरह तुमसे ये नहीं कहता कि विजय को भूल जाओ, मैं तो ये कहता हूं कि तुम विजय का इंतजार करो, लेकिन इंतजार के इन 5 सालों में तुम्हें खुद भी तो छीना होगा। बेटी, रात बहुत हो चुकी है, चलो सो जाओ। आओ बेटी। विजय, विजय, तुम्हारे बगैर जीना बहुत मुश्किल है। क्या तुम जेल से छूट गए? नहीं, छोड़ दिया जाऊंगा अगर कल के इम्तिहान में कामयाब हो गया तो। कैसा इम्तिहान है? एक इम्तिहान। मेरा इम्तिहान? अरे मेरा इम्तिहान क्यों लेंगे तुम्हारे डैडी? क्यों नहीं लेंगे? आखिर मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, जानना चाहेंगे कि जिस लड़की शादी मैं कर रही हूँ मुझे खुश रख पाएगा भी कि नहीं। मेरी शक्ल देख के वो पहचान जाएंगे? और नहीं तो क्या, पुलिस वाले है वो। जिनकी जिंदगी चोर उचक्कों को देखते देखते गुजरी हो वो मेरे जैसे शरीफ आदमी को क्या पहचानेंगे? आप कितने शरीफ हैं मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। क्यों, मैंने क्या किया? मेरी सहेली सोने के साथ कल कैंटीन में क्या कर रहे थे? हाँ, थोड़ा सा रोमांस। क्या? अरे वो कह रही थी दीपक आई लव यू। तो तुमने क्या कहा? तो मैंने भी वही कह दिया। तो फिर जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे शर्मिला, आई लव यू, अरे मेरी बात तो सुनो। गो टू हेल। तुम्हारे दिल भी तुम्हारे।
को तुम्हारे रूप ने मारा, बोलो तुम 143, अरे बोलो तुम 143, कहो 143, यानी I love you, बोलो 143। काम को हम और तुम मिलकर कर रहे हैं उसके लिए इससे महफूज जगह और कोई नहीं हो सकती थी, क्योंकि यहां ना तो कोई आंख हमें देख सकती है और ना ही कोई कान हमारी बातें सुन सकता है। मैंने अपना काम कर दिया, उम्मीद है आप भी अपना वादा जल्द ही पूरा करेंगे। हेलो, मैं यशवंत देशमुख बोल रहा हूं। Yes, sir. हमारा काम हो गया है, विजय श्रीवास्तव यहां से जेल के लिए निकल चुका है, बाकी तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। हाँ,
ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तो जला साहब की मर्जी से बाहर गया था। अगर आपको यकीन नहीं आता तो जला साहब से पूछ लीजिए, वो आ रहे हैं जला साहब। जला साहब, इन्हें जरा सच्चाई बता दीजिए। बंद कर दो इसे। हराम जादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने कहा था ना कि तू मेरा खून पिएगा। तू तो मेरा खून नहीं पी सका, लेकिन मैं तेरा खून जरूर पीऊंगा। साथ में उस कमीने देशमुख का पेशाब भी पी लेना, जो कानून की आड़ में तू जैसे कुत्ते से अपना काम करवा रहा है। क्या क्या बोला? मुझे पेशाब पिलाएगा है? शमशेर सिंह, क्यों इतनी गर्मी खा रहे हो? शमशेर सिंह, वैद्यों का कहना है कि पेशाब पीने से सेहत हमेशा अच्छी रहती है। क्या? वेलकम, यशवंत राव देशमुख है। नाइस मीटिंग यू। प्लीज। थैंक यू। यशवंत देशमुख, आप जानते हैं कि मैं शहर में क्यों आया हूं? क्योंकि सरकार ने आपका ट्रांसफर इस शहर में कर दिया, इसलिए। आईजी प्रताप सिंह का ट्रांसफर कोई और नहीं, वो खुद करता है। और मैं शहर में इसलिए आया हूं ताकि उस माई के लाल का पता लगा सकूं जिसने आईजी प्रताप सिंह के घर में डाका डालने की हिम्मत की है। आपके घर में डाका? यह है मेरी बेटी शर्मिला। हेलो। जिसके मंगेतर को 2 दिन पहले किडनैप कर लिया गया। क्या आप सब लोग सो रहे थे? अगर 48 घंटे के अंदर आप सब लोगों ने दीपक को ढूंढ नहीं निकाला तो ना आप लोगों के जिस्म पे यह वर्दी रहेगी और ना इस शहर के अंदर कोई गुंडा। यह है दीपक की तस्वीर। दीपक हीरालाल का बेटा जरूर है, लेकिन वो आईजी प्रताप सिंह का होने वाला दामाद भी है। आईजी ने उसे ढूंढने के लिए एक भी कदम उठाया तो सीधा हम लोगों तक पहुंच जाएगा। देशमुख, दुश्मन को अकलमंद समझना समझदारी की बात है, लेकिन उससे बड़ी बेवकूफी की बात है खुद को बेवकूफ समझना। दीपक को किडनैप तो हम किसी मामूली कुत्ते से भी करवा सकते थे, लेकिन विजय श्रीवास्तव का इस्तेमाल क्यों किया? ताकि अगर बात बिगड़ जाए तो विजय श्रीवास्तव पकड़ा जाए, हम नहीं। अब फिर आईजी प्रताप सिंह जिस रास्ते पर भी कदम रखेगा उसकी मंजिल होगी विजय श्रीवास्तव, तिरकाल नहीं। इसलिए जब तक हीरालाल जेल से बाहर आकर हमें वो पेपर्स नहीं देता तब तक पुलिस वाले का दामाद मुजरिमों की जेल में ही रहेगा, समझे देशमुख?
लेकिन आप त्रिकाल को कैसे जानते हैं? त्रिकाल हर बदनसीब आदमी का मुकद्दर है। मतलब त्रिकाल जैसा इंसान जिसका दोस्तों से दुश्मनों की क्या जरूरत है। मैं भी उन बदनसीबों में से हूं जिससे दुश्मनों ने नहीं दोस्तों ने मारा है। कितना भरोसा था मुझे त्रिकाल पर। खैर जाने दो। कौन है ये? मेरा बेटा है। अगर दीपक हीरालाल का बेटा है तो कमीने देशमुख ने झूठ क्यों बोला कि वो डॉन का बेटा है? तो जैसे कुछ और हरामी पैदा हो गए तो सारे देश की बहु बेटियां कोठे पर बैठ जाएंगी। हरामी हाँ? मैं औरतों को कष्ट नहीं देता, उन्हें प्यार करता हूं। जो कहना हो कहो, लेकिन मुझे खुश कर दो। खुशी तो तुझे अपनी बहन बीवी को डीसीपी देशमुख के साथ सुलाकर भी होती होगी। शमशेर सिंह, डीसीपी के अलावा इस खेल में और कौन कौन है? मुझे नहीं मालूम। मैं सच कहता हूं, मुझे नहीं मालूम। बताता है या ये मौत का पहाड़ तेरे सर पर पटक दूं? नहीं 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 नहीं, त्रिकाल ही वो आदमी है जिसने तुम्हारे माँ बाप और भाई को मरवाया। वो नहीं चाहता था कि तुम जीते जी इस जेल से बाहर निकल सको। हाँ, अरे भाग गया। हेलो, त्रिकाल सेठ बोल रहा हूँ। विजय श्रीवास्तव जेलर को मारकर जेल से भाग गया है। क्या? देशमुख साहब, आजकल विजय श्रीवास्तव कहाँ है? शमशेर सिंह की जेल में है, जहाँ से सिर्फ उसकी लाश ही बाहर आ सकती है। वो नहीं, इडियट, उल्लू के पट्ठे, वो तेरे शेर को गीदड़ की मौत मारकर जेल से फरार हो चुका है। दादी, यही है वो आदमी जिसने दीपक को किडनैप किया है। हाँ,
सिगरेट और शराब दोनों ही इंसान की जान ले लेती है, लेकिन मैं इन्हें तुम्हारी जान लेने नहीं दूंगा। क्योंकि तुम्हारी जान मैं लूंगा। खाना खाओ त्रिकाल, वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। विजय बेटे, तुमने सुना होगा, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। बरसूंगा त्रिकाल, थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन आज नहीं। क्यों, आज क्या माँ का दूध पीकर नहीं आए हो? माँ के दूध के साथ साथ बाप के खून का भी हिसाब लूंगा त्रिकाल, लेकिन 15 अगस्त को, क्योंकि उस दिन मैं तुझ जैसे देशद्रोही के सीने में अपने देश का तिरंगा गाड़कर अपनी वतन परस्ती का सबूत दूंगा। तब तक मेरे डर से हर रोज थोड़ा थोड़ा करके मरोगे। जिंदगी और मौत का खेल उस दिन तक चलता रहेगा जब तक हीरालाल के बेटे की सांसें चलती रहेंगी। गुड नाइट। विजय, पिताजी कहते हैं जहां आज ज्वालामुखी है वहां उससे पहले मीठे पानी का झील था और फिर मीठे पानी का झील होगा। इस वक्त तुम्हारे सीने के अंदर भी एक ज्वालामुखी है। जब तक ये ज्वालामुखी फटेगा नहीं, जब तक अंदर का लावा बहेगा नहीं, तुम अंदर ही अंदर इस ज्वालामुखी की तरह झुलसते रहोगे। इसलिए जाओ और अपने सीने के अंदर की दहकती आग को त्रिकाल के खून से बुझा डालो। विजय, उस जगह का पता चल गया है जहां से त्रिकाल गैर कानूनी बारूद दूसरे मुल्कों में भेजता है। तुम पहचान गया अपने बाप को? तूने मेरे घर को बारूद से उड़ाया था ना, आज मैं तुझे भी उसी तरह मिटा दूंगा। नहीं, 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 माफ करो। नहीं, 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 मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, मरने से पहले आखिरी सिगरेट पी ले, तेरी सांस उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक ये सिगरेट तेरे मुंह में जलता रहेगा। त्रिकाल स्पीकिंग। जिस बारूद के ढेर पे बैठकर तू दूसरों की जिंदगी का फैसला किया करता था ना, उसी ढेर को मिटाकर मैंने तेरी कब्र खोद दी है। यकीन नहीं आता तो अपने गोडाउन के धमाकों की आवाज को सुन।
त्रिकाल नाम है मेरा। मैंने पूछा आपसे। जी बाहर जाइए, इजाजत लीजिए, फिर अंदर आइए। एक बहुत पुरानी कहावत है कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? जी नहीं, मैं तो कुत्ते से कह रहा था। आउट आउट आउट। अजीब आदमी है। मे आई कम इन? कम इन, बैठिए। ये अंदाज मुझे अच्छा लगा। सर, कल रात मिस्टर त्रिकाल के गोडाउन को विजय श्रीवास्तव नाम के एक आदमी ने जला दिया। इन्होंने उसका भी कुछ जलाया होगा। मिस्टर प्रताप, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं बहरा नहीं हूं। शुक्र है आप तो बच गए। मुझे जलाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। जलाए तो आप भी जाएंगे आपके मरने के बाद। मिस्टर प्रताप सिंह, मैं यहाँ आपके घटिया जोक सुनने के लिए नहीं आया। तो आप भी कोई अच्छा सा जोक सुना दीजिए ना। जोक नहीं, एक हकीकत सुनिए। मेरा दामाद यहाँ मिनिस्टर है। अगर 24 घंटे के अंदर आपने विजय श्रीवास्तव को गिरफ्तार नहीं किया तो आपकी ये कुर्सी बाकी नहीं रहेगी, समझे? मिस्टर त्रिकाल, तुम्हारा दामाद अपनी कुर्सी के लिए हर 5 साल के बाद झोली फैलाकर भिखारियों की तरह गली गली भटकता है, लेकिन ये IPS ऑफिसर ना किसी की दया का मोहताज है और ना किसी के बाप से डरता है। अगर मेरी सिगरेट खत्म होने तक तुम खुद इस ऑफिस से बाहर नहीं गए तो मैं तुम्हें धक्के मार कर यहां से बाहर निकाल दूंगा। कात्रे, विजय श्रीवास्तव जेलर को जान से मारकर जेल से फरार हो जाता है और सेठ त्रिकाल के गोडाउन को आग लगा देता है। क्या वजह हो सकती है इसकी? पुरानी दुश्मनी। लेकिन विजय श्रीवास्तव ये काम 25 फरवरी को भी कर सकता था, क्योंकि 25 फरवरी को नासिक जेल में होने के बजाय वो बंबई शहर में था, जहां मेरी बेटी की आंखों के सामने उसने दीपक को किडनैप किया था। ये कैसे हो सकता है सर? हो सकता नहीं, यही हुआ है। विजय श्रीवास्तव जेल से बाहर आता है और वापस जेल चला जाता है। अगर उसे जेल से भागना ही था तो वापस जेल क्यों गया? कात्रे, तुम दीपक की मां पर नजर रखो। क्यों सर? जिसका बेटा 3 दिन से लापता हो और उसने अब तक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई, इसके पीछे जरूर कोई राज।
थैंक यू सर। सर आपने मुझे बुलाया है। ये जो कड़क वर्दी से अकड़े जा रहे हो ना, थोड़ी सी कलम हिला दी तो आपका ट्रांसफर ये महानगर से सीधे गंगानगर हो जाएगा, जहां ना ही गंगा बहती है और ना ही गंगा जल मिलता है। मेरी गलती क्या है? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। विजय श्रीवास्तव अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? हमने चारों तरफ नाकाबंदी कर रखी है, उसे देखते गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार करके क्या करोगे? वो कोई देश का नेता है जो आजादी के लिए लड़ रहा है और आप कहते कि गिरफ्तार कर लेंगे? अरे देखते ही गोली मार देने का ऑर्डर दीजिए, समझे? यस सर। अब आप फौरन जाइए, वरना जब तक आप रोड पे पहुंचेंगे वो एक अदौर को टपका चुका होगा। जाइए। यस सर। विजय, काल के पालतू कुत्ते, तो कल पुलिस उसे कुत्ते की मौत मार ही दे। हेलो। जिन लोगों की आड़ में छुपकर तू शेर बन रहा था, उनमें से एक और की लाश सोरा फाउंटेन पे पड़ी है। लाश? अगर यकीन नहीं आता तो जाकर अपनी आंखों से देख ले। मंत्री जी, मेरा ट्रांसफर कहीं और करवा दीजिए। क्यों, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? वो दरअसल मुझे दमे की शिकायत हो गई है और समुद्र का किनारा मुझे सूट नहीं कर रहा। समुद्र का किनारा सूट नहीं कर रहा है? अच्छा। या विजय श्रीवास्तव का धमाका सूट नहीं कर रहा है? विजय, कमीना देशमुख आज रात को एक म्यूजिक कंपनी के सालाना फंक्शन में चीफ गेस्ट बनके जा रहा है। कहाँ? भाईदास हॉल। सर आपका फोन। हेलो, त्रिकाल स्पीकिंग। त्रिकाल, बचा सकते हो तो बचा लो अपने पालतू कुत्ते देशमुख को, क्योंकि आज रात का फंक्शन उसकी जिंदगी का आखिरी फंक्शन होगा। यू बास्टर्ड! मैं परवाना, हसीनों का मैं दीवाना। मैं आशिक हूँ, मैं परवाना, हसीनों का मैं दीवाना। तेरे जैसा कोई जहाँ भी नहीं, जमीन पे नहीं, आसमां पे नहीं। हाँ मेरी जुदा आशिकी है क्या?
भाइयों और बहनों, यशवंत देशमुख, जिनको सारा शहर शेर के नाम से जानता है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारी म्यूजिक कंपनी आफ्ताब म्यूजिक इंडस्ट्रीज यानी कि एस सीरीज के सालाना जलसे में शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूंगी कि वो खुद अपने बारे में आपको कुछ बताएं। यशवंत देशमुख। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। ये लीजिए, जिंदगी भर वो पढ़ते रहे हो जो त्रिकाल ने लिखा है, आज वो पढ़ो जो विजय श्रीवास्तव ने लिखा है। विजय श्रीवास्तव। तुम्हारे गले में जो हार है उसमें एक बम है। हार उतारने की कोशिश नहीं करना क्योंकि रिमोट मेरे हाथ में है। अगर तुमने इसी वक्त अपने जुर्म का इकबाल नहीं किया तो बटन दबाते ही तुम्हारे जिस्म के इतने टुकड़े हो जाएंगे कि गिनते गिनते तुम्हारे औलाद की उम्र गुजर जाएगी। मिस्टर देशमुख, प्लीज कम। भाइयों और बहनों, दुनिया कहती है कि मैं कानून का एक वफादार सिपाही हूं। दरअसल हकीकत कुछ और ही है। मैं शेर नहीं, कुत्ता हूं मैं, पालतू कुत्ता। ओह नो। एक ऐसा कुत्ता जो झूठी हड्डियां चाटने के लिए हमेशा मुजरिमों और देशद्रोहियों का साथ देता रहा है, उनके सामने दुम हिलाता रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो आप लोग नहीं जानते हैं, मैं ही वो आदमी हूं जिसने इस मुल्क के गद्दारों से मिलकर आतंकवादियों को बारूद बेचा, लोगों के खून से होली खेली, सुहागनों को विधवा बनाया, मासूमों की जान ली। मैं वो आदमी हूं। शहर में बम फटने से जितनी भी जाने गई उसका जिम्मेदार मैं हूं। मुझ जैसे कुत्ते को फूलों का हार नहीं जूतों का हार पहनाना चाहिए। मेरे पास Thank you.
जी प्रताप सिंह, पहले तो वो सिर्फ आम आदमियों को मार रहा था, अब उसने पुलिस वालों की भी जान लेनी शुरू कर दी। इस बात का कोई सबूत नहीं है जनाब मिनिस्टर साहब कि यशवंत देशमुख का कत्ल विजय श्रीवास्तव ने किया है, नंबर एक। और नंबर दो, यशवंत देशमुख ने खुद इस बात का इकबाल किया था कि वो एक पुलिस वाला नहीं कुत्ता था, और कुत्ते को मारना इस देश में जुर्म नहीं माना जाता। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि मैं खुद इस कुत्ते को नहीं मार सका, लेकिन बचे हुए कुत्तों को मैं जरूर मारूंगा। तुम यहां क्यों आई हो? अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगनी। क्या हुआ मेरे बेटे को? हुआ तो नहीं, अगर हो जाएगा, अगर आपने वो बैग त्रिकाल को नहीं दिया जिसमें उसकी जिंदगी बंद है, लौटा दीजिए वो बैग, वरना वो हमारे बेटे को मार डालेगा। वो ऐसा हरगिज नहीं करेगा। उस कसाई का क्या भरोसा? कसाई बकरे की जान तभी लेता है जब उसके हाथ में छुरा होता है, और त्रिकाल के हाथ में इस वक्त छुरा नहीं बल्कि मेरे हाथ में है, इसलिए अब सौदा होगा। May I come in, sir? Come in. बोलो कात्र। सर आपका शक बिल्कुल सही निकला, दीपक का बाप मरा नहीं बल्कि जिंदा है, और पिछले 14 साल से सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है। और कुछ? हीरालाल त्रिकाल की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उसका पार्टनर था, और एक इंस्पेक्टर के कत्ल के सिलसिले में उसे उम्र कैद की सजा हो गई थी। तब तो इस हीरालाल से हमें फौरन मिलना चाहिए। सर, आप और यहाँ क्यों? मेरा यहाँ आना मना है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं, आप फोन कर देते मैं खुद हाजिर हो जाता। तिवारी, चमचागिरी बंद करो और कुछ काम करो। आज इस देश को चमचों की नहीं तमंचों की जरूरत है, समझे? जी समझ गया। कैदी नंबर 214 को बुलाओ। सर वो तो कल रिहा हो गया। कल? लेकिन उसकी सजा तो 27 तारीख को खत्म होने वाली थी। सर वो तो जबान क्यों लड़खड़ा रही है तिवारी? कहीं जेब ज्यादा तो नहीं भर ली तुमने? सर मैंने कुछ नहीं किया, हमारे मिनिस्टर साहब का फोन आया था कि उसे रिहा कर दिया जाए। कल क्या गांधी जयंती थी? जी। गांधी के इस देश में कैसे कैसे हरामी पैदा हो गए हैं। आइए प्रताप सिंह जी, आइए। क्या मैं जान सकता हूँ कि हीरालाल नाम के कैदी को आपने वक्त से पहले क्यों रिहा करवाया? उसका चाल चलन बहुत अच्छा था। ये ख्याल आपको उसके 14 साल सजा काटने के बाद आया, जबकि उसकी रिहाई में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। इस मेहरबानी की वजह जान सकता हूँ मैं? हम मिनिस्टर लोग ऐसा छोटा मोटा काम तो यूं ही करते रहते हैं। काम जरूर छोटा है मिनिस्टर डीपी सिंह, लेकिन खेल बहुत बड़ा है। जो शुरू होता है दीपक सिंह की किडनैपिंग से, और फिर उसकी अगली कड़ी मिलती है विजय श्रीवास्तव का जेल से भागना, त्रिकाल का गोडाउन जलाया जाना, गोगा की मौत,
और फिर यशवंत देशमुख का वो बयान जो उसने तमाम जनता के सामने दिया था, इसके बीच में मैं कहां से आ गया? अगर बीच में आए तो ऐसा पीसूंगा कि दोबारा तुम्हारी औलाद भी पॉलिटिक्स में कदम नहीं रखेगी। गुड डे। ससुर जी मुझे बचा लीजिए वरना आपकी बेटी विधवा हो जाएगी। क्या हुआ दामाद जी, बताइए तो। पजामे का नाड़ा टूट गया है, इज्जत उतरने वाली है अब। कोई बात नहीं, आज से पतलून पहनना शुरू कर दो। वो पतलून भी उतार देगा, उसका नाम आईजी प्रताप सिंह है। ये अजीब मुल्क है दामाद जी, यहाँ माएं बुजदिल बेटों का नाम भी बहादुर रखती हैं, तो तुम प्रताप के नाम से क्यों डरते हो? तो फिर जल्दी से पेपर हासिल कीजिए ना। तुम फिकर मत करो, हीरा लाल के आते ही उसको और उसके बेटे को हमेशा के लिए सुला दूंगा। क्यों, आप लोरी गाएंगे क्या? क्या नहीं, मेरा मतलब है कि जो आदमी ने 15 साल तक जबान नहीं खोली वो अब क्या खोलेगा। लो आ गए हीरा लाल जी। आओ आओ हीरा लाल। अरे भाई तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई जेल में? उसकी तकलीफ को छोड़िए, अपनी तकलीफ के बारे में सोचिए ना। एक तकलीफ थी त्रिकाल, कि तुझ जैसे देशद्रोही की गर्दन मेरे हाथों से बहुत दूर थी। गधे हो तुम जो मुझे देशद्रोही कह रहे हो। अरे मुझसे बड़ा देशभक्त तो तुम्हें पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। सरकार इनको दिल्ली बुलाकर बहुत जल्द इनाम भी देने वाली है। दिल्ली में तिहाड़ जेल भी है जहां एक ही झटके में आदमी की जबान उसके हलक से बाहर निकल आती है। तुम्हारी जबान बाहर निकाल देंगे। डायलॉग बोलने का शौक है तो छोटे मोटे कलाकारों के सामने बोला करो, अपने बाप के सामने नहीं। कागजात कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? तुम कागजात मेरे हवाले कर दो, तुम्हारा बेटा घर पहुंच जाएगा। पहले मेरा बेटा। इसमें तो कुछ भी नहीं है। पेपर्स कहाँ हैं? पहले मेरा बेटा मुझे दे दो त्रिकाल, उसके बाद पेपर दूंगा। लटका दो इस हरामजादे को, ले जाओ। बांध दो बाप को बेटे के साथ, लटका दो। जीते जी तो न मिल सके, कम से कम मरने से पहले तो जी भर के देख ले। पिताजी, डाल दो इनके जिस्म पे बारूद। हीरालाल, बारूद के बाद हम तुम दोनों के जिस्म में आग नहीं लगाएंगे, बल्कि उससे भी खतरनाक सजा देंगे। हीरालाल, मैं एक कप कॉफी 7 मिनट में पीता हूँ और इतनी ही देर में मेरे कुत्ते 70 किलो गोश्त खा जाते हैं। अगर मेरी कॉफी खत्म करने तक तुमने उन कागजात का पता नहीं बताया तो मेरे कुत्ते तुम्हारी जिस्म पर लगी हुई बारूद को सूंघते ही तुम्हें फाड़ कर खा जाएंगे। फैसला कर लेना, जिंदगी चाहिए या मौत। दीपक, मेरे बेटे। पिताजी, ये आपने क्या कर दिया? मेरी जान बचाने के लिए फिर से आपने अपनी जान को खतरे में डाल दिया। और कोई रास्ता भी तो नहीं था मेरे बेटे। मैं जानता था कि त्रिकाल दोगलापन जरूर करेगा, इसलिए मैं पेपर्स नहीं बल्कि ये लाया हूं। देख। बस एक बार ये रस्सी खुल जाए उसके बाद यहां से बाहर कैसे जाना है मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। पिताजी,
शाबाश शाबाश बेटा। पिताजी ऊपर आइए। नहीं पिताजी, जान जाती है तो जाए, मगर मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। चलिए चलिए पिताजी, उठिए। पीछा कर रहे हैं। दीपक, आईजी साहब को फोन लगाओ। आईजी प्रताप सिंह हियर। सर, मैं दीपक बोल रहा हूं। दीपक,
कहां से बोल रहे हो तुम दीपक? सर मैं घर से बोल रहा हूं। दीपक फोन मुझे दो। आजी साहब मैं दीपक का बाप हीरालाल बोल रहा हूँ। मैं अभी आपके घर पे आता हूँ। नहीं आजी साहब मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, मैं अपना बयान देना चाहता हूँ। बोलिए। त्रिकाल ही वो आदमी है जिसने मेरे बेटे को किडनैप किया था, क्योंकि उसे मालूम था कि मैं जेल से छूटते ही दुनिया को यह बता दूंगा कि वो देशद्रोही है। आजी साहब त्रिकाल ही इस देश का। बोल को नहीं रहे। हेलो हीरालाल जी, हेलो डिंगोरा हुनु नु नु हु डिंगोरा डिंगोरा हुनु नु नु हुनु नु नु Beep.
प्लान के मुताबिक इस साल 15 अगस्त ऐसा मनाया जाएगा कि चारों तरफ लाशें ही लाशें होंगी। वेरी गुड, हमारा गवर्नमेंट तुमको और इनाम देगा। अच्छा? गुड बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सायोनारा। त्रिकाल सेठ, आपके सारे फॉरेनर दोस्तों को पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया। साले उल्लू के पट्टे, शक्ल तो अच्छी नहीं है, कम से कम खबर तो अच्छी लाकर। दामाद जी, तुम इस बेचारे को क्यों मार रहे हो? वो बाजी खेल चुके, अब बारी हमारी है। What? ये तो जिंदा है, इसे फौरन मेरी गाड़ी में डालकर अस्पताल ले चलो। मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं, इसलिए एक मिनट के अंदर चार दीवारी के बाहर चले जाओ, वरना अपनी मौत के जिम्मेदार तुम लोग खुद हो गए। Get out!
मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वो आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर अपने शुभ हाथों से झंडा फहराएं। मेरा भारत महान। ये क्या है? और वो रहा तुम्हारा कफन। तूने मिनिस्टर की बेइज्जती की है। बेइज्जती उसकी की जाती है धरपकड़, जिसकी कोई इज्जत हो। तेरा मतलब है मेरी कोई इज्जत नहीं है? मैं ये जनता का चुना हुआ मिनिस्टर हूँ। इन कागजात को उठा कर देख, जिसमें साफ साफ लिखा है कि तू मिनिस्टर नहीं, एक बड़वा है। बड़वा बड़वा बोला हराम सादे, मैं तेरी वर्दी उतार दूंगा। ये वर्दी हिंदुस्तानी पुलिस की है, तेरे सर की टोपी नहीं, जिसे जब चाहे तू उतार दे। अब पहन इसे और चुपचाप चल मेरे साथ। इनको हथकड़ी मैं पहनाऊंगा। आईजी प्रताप सिंह, आईजी प्रताप सिंह, छोड़ दो मेरे दामाद को, नहीं तो लाशों के ढेर बिछा दूंगा। तेरे सम्मान के लिए मेरे पास इससे अच्छा हार था ही नहीं। ससुर जी, मैं आ रहा हूं। साधा बोल दो सालों को। नहीं, हट जाओ। तू अभी तक जिंदा है? हाँ, मैंने तुझे कहा था ना त्रिकाल, कि 15 अगस्त तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि विजय श्रीवास्तव ने उन लोगों की जान ली जो खुद कातिल थे, देशद्रोही थे।
जिस तरह जंग में दुश्मन को गोली मारने पे सजा नहीं सुनाई जाती बल्कि मेडल दिया जाता है, इनाम दिया जाता है, शाबाशी दी जाती है, ठीक उसी तरह विजय श्रीवास्तव को भी देश के इन गद्दारों की जान लेने के लिए सजा नहीं इनाम दिया जाना चाहिए, कैद नहीं आजादी दी जानी चाहिए। लिहाजा ये अदालत विजय श्रीवास्तव को बाइज्जत बरी करती है।